जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहिए इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, जो मित्र से फ्रेंड्स से उन्हें जरूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं एक लेटेस्ट न्यूज आई है, नगर विकास विभाग में बहाल होंगे 130 अभियंता। जी हाँ दोस्तों, 130 अभियंता की बहाली की जाएगी नगर विकास विभाग में। देख सकते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग में अभियंताओं की खाली जो पद है, खासतौर से अवर और सहायक अभियंताओं की, ऐसे में राज्य और केंद्र की योजनाओं का काम प्रभावित हो रहा है। इन दिक्कतों को देखते हुए नियमित बहाली न होने से विभाग अभियंताओं की बहाली कर रहा है। अभी 130 अभियंताओं को रखे जाने की तैयारी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए अवर अभियंताओं, सेवानिवृत्त और सहायक अभियंताओं को संविदा बहाली के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन अगस्त तक लिए गए। विभाग को कुल 130 आवेदन प्राप्त हुए थे। खास बात यह है कि यह आवेदन सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों से आए हुए थे। उन राज्यों को विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त होने वाले को भी अभियंता भी वहाँ से सेवा देना चाहते हैं। सूत्रों को कुछ अभियंताओं की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी के लिए कि 130 अभियंताओं की जो है बहाली हो रही है नगर विकास विभाग में। तो फ्रेंड, जो भी मित्र से फ्रेंड्स है इसकी वेटेज कर रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके, इस सूचना से अवगत तो हो सके। तो फ्रेंड, बने रहें, जुड़े रहें इसी तरह देश दुनिया से शिक्षा जगत की तमाम खबरों को पाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।